अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। चलिए मैं आज बनाने जा रही हूँ बकरी के गोश्त की कलेजी की डेंट। आप लोग देख सकते हैं इसमें दिल और कलेजी गुर्दा भी है। इसको अच्छी तरीके से धो के साफ करके रख ली हूँ। ये सुक्का बना रही हूँ मैं कलेजी की डेंट का, आप लोग देख सकते हैं। ये धनिया पाउडर है, ये तेल है, ये नमक है, ये जीरा पाउडर है, एक डल्ली प्याज की कट करके रख ली हूँ, कोतिमीर है, 6-7 हरी मिर्ची है, लाल मिर्ची पाउडर है। चलिए मैं बनाने का तरीका बताऊँ। ये तेल डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक डली प्याज है, ये भी डाल रही हूँ। ये ब्राउन हो गए बाद आप लोगों को बतलाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं मेरी प्याज हल्के से ब्राउन हो चुकी है। अब मैं ये अदरक डाली हूँ, ये मिर्ची पाउडर डाली हूँ, ये नमक है, थोड़ा धनिया पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, खोटी मिर्च डाल दूँगी, 6-7 हरी मिर्ची डाल दूँगी। ये मैं कलेजी फ्राई बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये मसाला मेरा अच्छी तरीके से भुने गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं कलेजी डाल दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। ये कलेजी भी और मसाला भुने के बाद आप लोगों को बतलाऊँगी। इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं मेरा मसाला अच्छी तरीके से कलेजी और मसाला भुने गया है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेरी कलेजी की डेंट की है। अब मैं थोड़ा ये कलेजी गलने की वजह से थोड़ा सा पानी डालूंगी। अब मैं आप लोगों को कलेजी गले पर बताऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खुशबू आ रही है मेरी कलेजी के कलन की, आप लोग देख सकते हैं। कि दम पे मैं हरी मिर्ची को भी डाल दूँगी। अब मेरी ये कलेजी फ्राई तैयार हो चुकी है। अब मैं ये चूल्हा बंद कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं ये है मेरी कलेजी फ्राई। इसको रोटी के संगत भी खा सकते हैं, खाने के संगत भी खा सकते हैं। आप लोग भी एक बार मेरी तरीके से बना के देखिए। चलिए मैं आप लोगों को चख के बतलाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, यम्मी 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 बनी है। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।